₹80 में, ₹100 में और ₹2000 में इंजन किस तरीके से फिट किया जा सकता है। दोस्तों ये बाइक, ये गाड़ी स्मोक कर रही है, वाइट स्मोक। अब वाइट स्मोक जब किसी की गाड़ी में आता है तो वो बंदा ना डर जाता है, घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वाइट स्मोक कस्टमर के अकॉर्डिंग और एक राइडर या फिर एक मैकेनिक के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का होता है। पहला कार्बोरेटर का, दूसरा साइलेंसर का, और तीसरा आपकी गाड़ी के जो पिस्टन का काम होता है वो, और चौथा होता है हमारी गाड़ी के हेड का, वो भी वाइट स्मोक नहीं होता, ब्लैक स्मोक होता है, ठीक है। बट अगर बात करूँ, अगर आपकी गाड़ी में इंजन का वाइट स्मोक आ रहा है यानी कि पिस्टन की वजह से वाइट स्मोक आ रहा है, तो उसको आप तीन प्रकार से बंद करवा सकते हो गाड़ी में। पर तीनों प्रकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग खर्चे के होते हैं, अलग अलग टाइमिंग के होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारी गाड़ी में सस्ता प्रकार, सस्ता उचित काम तीनों होते हैं, पर सस्ता काम पहला होता है। कौन सा? अगर आप चाहो तो धुएं को, वाइट स्मोक को आपकी गाड़ी के इंजन में से बंद कराने के लिए सिर्फ रिंग का इस्तेमाल करके, रिंग को चेंज करके अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, बट वो एक टेम्प्रेरी वर्क होता है। अगर आपको गाड़ी सेल करनी है, किसी को बेचनी है, तो आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, अगर उसकी रीसेल वैल्यू कम आ रही है उस चक्कर में, तो आप अपनी गाड़ी के पिस्टन को चेंज करा के, मतलब पिस्टन की रिंग को चेंज करा के, चेंज मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। रिंग का जो प्राइस होता है वो ₹80 से स्टार्ट होकर ₹250 तक का आता है, मैक्सिमम ₹350, इससे ज़्यादा नहीं। 350 की ओरिजिनल रिंग मिल जाती है टीपी कंपनी की, और भी कंपनियाँ आती हैं, और लोकल जो चाइनीज़ रिंग होती है वो 80 या 90 रुपये की मिलती है। साथ ही जो लेबर होती है एक मैकेनिक की, वो डिपेंड करता है कौन सी लेबर मैकेनिक ले रहा है, कितनी लेबर ले रहा है, 250 भी लेते हैं, 350 भी लेते हैं, 300 भी लेते हैं, और 150 भी लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रकार, हम अपनी गाड़ी के पिस्टन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पिस्टन को चेंज करने के लिए 700-800 रुपये का पिस्टन आता है, और कुछ लेवर होती है वही जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इससे भी आपकी गाड़ी के स्मोक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा प्रकार जो सबसे उचित माना जाता है ज़्यादातर लोगों की नज़रों में, वैसे पिस्टन का भी चेंज होना उचित है, ब्लॉकेट का भी चेंज होना उचित है, पर दोनों में ही दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। पहला, अगर हम ब्लॉकेट चेंज करते हैं, पूरी कंप्लीट ब्लॉकेट चेंज करते हैं, जो तीसरा प्रकार है हमारा, तो ब्लॉकेट चेंज करने से आपकी गाड़ी स्मोक तो बंद कर देगी बिल्कुल, बट ब्लॉकेट चेंज करने में थोड़ा खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लॉकेट थोड़ी सी कॉस्टली आती है। किसी गाड़ी की 1800 की आती है, तो किसी की 1400 की, किसी की 1600 की, किसी 1700 की, लेबर अलग होती है। अब ये हो गए हमारे धुएं बंद करने के प्रकार। बट वो कहते हैं ना, बिल्डिंग को अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको नींव मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आपने नींव मजबूत नहीं करी तो आपकी बिल्डिंग गिरने के चांसेस लाख गुना बढ़ जाते हैं, अगर कोई भूकंप या कोई सुनामी वुनामी या कुछ ऐसा आता है तो। क्यों? तो ऐसे ही होता है हमारा इंजन में नींव, क्या, क्रैंक, क्रैंक जो होती है वो, और एक हेड, हेड में वॉल्व होते हैं, क्रैंक, क्रैंक असेंबली होती है, क्रैंक असेंबली में पिस्टन ऊपर चलता है। ये ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आने वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आपको थोड़ा अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव होगा, और इसमें कुछ डिपेंड, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से आपको बताएंगे जिसमें आप डिपेंड होकर काम करा सकते हो, ठीक है। तीनों तरीके, जो सबसे बेस्ट होगा वो भी आपको शेयर करूँगा। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं ये गाड़ी स्टार्ट कर दी, साइलेंसर, बहुत ही ज़्यादा स्मोक कर रही गाड़ी है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा स्मोक गाड़ी के लिए ठीक नहीं होता, और हमारे प्रदूषण के लिए भी, वातावरण के लिए भी ठीक नहीं होता, प्रदूषित होता है, ठीक है। तो ये बहुत गलत है, जिसकी भी गाड़ी स्मोक कर रही है वो तुरंत ही काम करा ले, जो ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं तो चालान बहुत तगड़ा कटता है इससे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मैं इस गाड़ी के इंजन को खोलता हूँ, और इंजन खोल के आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो एक्चुअली में आपको देखनी है, और आपके साथ दो चार बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बात करता हूँ। तो जल्दी से इसको खोलते हैं, इसके इंजन को उतारते हैं, ठीक है। एक अगर बिल्डिंग को बनाया जाए तो उस बनाने से पहले उसकी जो नींव होती है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई काम करना पड़ जाए बिल्डिंग बनाने के बाद, तो पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का जिम्मा लेना पड़ सकता है, पूरी बिल्डिंग को तोड़ने का जिम्मा लेना पड़ सकता है। ये बहुत बारीकी से बोल रहा हूँ मैं दोबारा बात, अगर पूरी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा दोबारा बनाने के बाद, तो पैसा जितना पहले लगाया था उससे ज़्यादा और लग जाएगा। तो ऐसा ही एक इंजन का प्रॉपर परफॉर्मेंस होता है। अगर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए पूरा इंजन खोलते समय हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जाता है और इंस्पेक्शन किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर पूरी गाड़ी के अंदर मैं चाट चाट के पूरी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह फिट कर दूँ, पूरी गाड़ी में सारा सामान चेंज कर दूँ, सारा सामान, हर चीज़, सिर्फ एक चीज़ चेंज ना करूँ, वही ये किक स्प्रिंग। ये किक स्प्रिंग की कीमत ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी, 40 रुपये, 40
से 50 रुपये होगी। अगर ये स्प्रिंग चेंज ना करूँ, मैं सिलेंडर की डाल दूँ, ये ब्लॉक की डाल दूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, क्लच होजिंग डाल दूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, मैं क्लच असेंबली डाल दूँ इसके अंदर, ये सारा सामान डालने के बाद सिर्फ ये ना डालूँ, तो क्या लगता है आपको ये गाड़ी का इंजन कामयाब हो जाएगा? मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि जब गाड़ी बंदा स्टार्ट करेगा किक मार के, तो गाड़ी की स्प्रिंग टूट जाएगी कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। और जब स्प्रिंग टूटेगी तो किसी भी कीमत पर बिना इंजन खोले ये स्प्रिंग चेंज नहीं हो सकती है। और अगर ये स्प्रिंग चेंज करने के लिए इंजन खोलना पड़ा आपको, तो एक प्रॉपर जो सेटिंग, अगर आपने अच्छा मैकेनिक चुना है, एक अच्छी जगह आपने चुनी है, तो आपने सही तरीके से अपना काम करा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर खर्चा तो आपको पूरे इंजन का खोलने का ही होगा होगा, क्योंकि जब पूरा इंजन खोला जाता है तो गाड़ी की जो पैकिंग होती है, पैकिंग सील किट, वो पूरी फट जाती है, ख़राब हो जाती है, चेंज करनी पड़ती है। और जब गाड़ी का ब्लॉक से पिस्टन को बाहर निकाला जाता है और वापस फिट किया जाता है, तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी बहुत उसकी लाइफ कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बारीकी से ध्यान देनी है। मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो मेरा मुद्दा था, जिसका मेरा पर्पस ये है वीडियो का, 80 रुपये में, 100 रुपये में और 2000 रुपये में इंजन किस तरीके से फिट किया जा सकता है। देखो, अगर आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाना चाहते हो लंबे टाइम तक, तो आप अपनी गाड़ी में 2000 वाला काम चुने। अब 2000 वाला क्या होता है, ये नहीं कि 2000 में आपकी गाड़ी फिट हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी में ब्लॉक किट, ये जो ब्लॉक किट होती है पूरी कंप्लीट, इसके अंदर वर्क कराएं। वर्क कौन सा, ये जो ब्लॉक किट है, इस ब्लॉक किट के अंदर अगर आप पिस्टन बोर कराते हो, तो ये जो पिस्टन है इसकी कीमत 700, 750, 800, 900 रुपये के आसपास की आती है। कंपनी पर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का ले रहे हो। सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी होती है, देखो गॉट्स, मैले और उषा, इन 3 कंपनी में बिलीव रखता हूँ बहुत ज़्यादा मैं, और यही 3 यूज़ करता हूँ। सैम कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन लेवल में आती है, तो मैं इसीलिए सैम कंपनी का पिस्टन बहुत कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम, जब मुझे लगता है किसी कंपनी का पिस्टन मुझे नहीं मिल रहा है और मेरी गाड़ी रुकी पड़ी है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं सैम का पिस्टन यूज़ करता हूँ। पर ऐसा नहीं कि गारंटी कैंसिल कर दे, नहीं, गारंटी देनी पड़ती है कस्टमर को, गारंटी दूंगा तभी तो वो उसका भरोसा बनेगा। हालांकि पीछे से किसी चीज़ की गारंटी नहीं मिलती है, ना पार्ट्स की, ना पिस्टन की, ना किसी चीज़ की, ठीक है। अगर आपने पिस्टन 800-900 रुपये का लिया और अपनी पुरानी ब्लॉक किट में, ये पुरानी ब्लॉक किट में इस पिस्टन को बोर कराया, 25, 50, 75, 100, ये 4 नंबर आपने सुने होंगे, 25, 50, 75, 100, जब गाड़ी शोरूम से निकलवा के लाते हैं, उसके बाद पिस्टन जब खुलता है तो 25 नंबर का पिस्टन निकलता है, पर 25 नंबर का पिस्टन बहुत कम लोग डालते हैं, इसलिए मैं 25 की जगह 50 नंबर का पिस्टन ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप 25 का डालते हो तो अच्छी बात है, पर 50 नंबर का भी अच्छी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हम 50 नंबर का पिस्टन डालते हैं तो हमारी गाड़ी में ये बोरिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने बोरिंग अच्छी कराई है, बोरिंग मतलब क्रॉस बोरिंग, और अच्छा खरा दिया होना चाहिए, यहाँ मैकेनिक का ब्लेम नहीं होता, यहाँ खरा दिया का होता है। अगर खरा दिया ने पिस्टन को सही तरीके से बोर किया है, तो आपकी गाड़ी का पिस्टन की लाइफ सिलेंडर किट, जो ब्लॉक किट पूरी नई डलवाओगे, उससे भी ज़्यादा आपकी हो जाती है। इसमें कितना खर्चा आता है, मात्र 1000 रुपये के आसपास का, आपकी गाड़ी में पिस्टन और उसकी गाड़ी में बोरिंग और उसकी जो पैकिंग होती है वो, और साथ में गाड़ी की पूरी कंप्लीट पैकिंग किट और लेबर, ये टोटल खर्चा 2000 में निपट जाते हो, 1000-2000 में निपट जाते हो। बट वहीं अगर आप सिलेंडर किट पूरा चेंज कर रहे हो, तो सिलेंडर किट की कीमत ही 1800-1700 के आसपास की होती है, और लेबर वेबर सब मिला के आप 3000 में निपट जाते हो, एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया। बट आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, डैमेज क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले बताता हूँ आपकी गाड़ी में कुछ कमी। जैसे मान लो आपकी गाड़ी में इंजन की आवाज़ बिल्कुल ठीक है, पिकअप ठीक है, और कोई लीकेज नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी में पूरा इंजन ना खोलकर, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक निकाल के, ये ब्लॉक खोलकर, इसमें ये पिस्टन चेंज ना करके, आपकी गाड़ी का पिस्टन ठीक है, सीज वाली स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी में से ये जो रिंग होती है, रिंग इसकी पिस्टन रिंग होती है, ये वाली ये रिंग होती है, कुछ ऐसी ही रिंग आती है, इस पिस्टन में लगी होती है, और पिस्टन का जो गाड़ी का जो ऑयल स्मोक होता है ना, स्मोक जो करती गाड़ी, वो पिस्टन ना, पिस्टन की वजह से नहीं बोल रहा मैं, रिंग की वजह से रुकता है। पिस्टन अगर आपका लूज भी है, ख़राब भी है, या सीज हो रखा है थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का नाम मात्र, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, तो आप अपनी गाड़ी में रिंग चेंज करके कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने, 3 महीने के लिए अपनी गाड़ी के पिस्टन की प्रॉब्लम, ऑयल खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वो भी जब स्थिति होती है ऐसी, जब गाड़ी आप सेल करना चाहते हो, आप पैसा नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी की वैल्यू अच्छी मिल जाएगी किसी कंपनी में, ऑथराइज सर्विस सेंटर में, एक्सचेंज पर, ताकि मैं अपनी गाड़ी का धुआं बंद कर सकूं, तो 80 रुपये में अपनी गाड़ी का धुआं बंद कर सकते हो। 80 रुपये की रिंग, 100 रुपये ऊपर का खर्चा मान लो, 150 रुपये लेबर, वही 500 रुपये में निपट जाओगे आराम से आप, ठीक है ना। बट यहाँ बात जब ये क्लियर होती है, जब आपको गाड़ी बेचनी है, चलानी नहीं है, क्योंकि रिंग कभी कामयाब लंबे टाइम के लिए नहीं होती है, और कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले आप 10 बार सोचोगे, ताकि वो तोड़नी ना पड़े जल्दी जल्दी, अगर जल्दी तोड़नी पड़ेगी तो क्या फ़ायदा होगा उसका पैसे का, ठीक है। अब बात करते हैं ज़्यादा डैमेज के बारे में, ज़्यादा डैमेज जो होता है वो क्या है, एक्चुअली में क्या है ज़्यादा डैमेज। फॉर एन एग्जाम्पल, ये गाड़ी मेरे पास आई है, इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, क्या क्या डैमेज है, जैसे कि ये जो क्लच असेंबली इसमें डली हुई है, ये लोकल डली हुई है, ये महा लोकल कंपनी की असेंबली डली हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब ये लोकल असेंबली MK कंपनी की, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको बिलीव हो जाए, ताकि थोड़ा पास कैमरे को लेके आओ भाई, ये देखो
MK कंपनी है, ठीक है ना। अब ये MK कंपनी में इसमें देखो कितना लेदर है, इसमें देखो कितना बाहर रखा है लेदर, ठीक है ना। ये देखो इसका थोड़ा थोड़ा लेदर इसमें बाहर रखा है, ये देख लो। अब लेदर तो बोलूंगा अपनी भाषा में, वैसे लेदर नहीं है इसके अंदर, जो मटेरियल होता है थोड़े पार्टिकल जो होते हैं ये छूट छूट के निकलते हैं, देखो ऐसे करके निकलते हैं, देखो निकल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा निकलते हैं इस तरीके से। तो ये जो लोकल असेंबली है, अब मुझे इंजन पूरा डैमेज है इसका, तो मुझे लोकल असेंबली को चेंज करके ओरिजिनल डालनी पड़ेगी, भले ही ये ओरिजिनल असेंबली मतलब भले ही ये असेंबली लोकल है और दो दिन पहले बंदे ने डलवाई है, मतलब सही है, फिर भी मुझे ये चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से हमारी गाड़ी में पिस्टन पे और क्रैंक पे प्रभाव पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। हमारी गाड़ी में अगर हम 100, 200, 300 या 2000 वाला काम करते हैं तो वो जब भी फायदा होता है जब हमारी गाड़ी का इंजन एकदम स्मूथ है और हमने कभी उसे खुलवाया नहीं है, ना लोकल उसमें सामान डलवाया, हमारी गाड़ी में ना कोई आवाज़ आ रही है, ना किसी चीज़ की टेंशन है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी स्मूक कर रही है बस, तो हमारी गाड़ी में 2000, 100, 300, 500 का काम करने में फ़ायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आपने पूरा डैमेज हो रखा है, पूरे काम की इसकी इंजन की जिंदगी झंड है, तो आप अपनी गाड़ी में काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करो, इंस्पेक्ट करो, जो जो खराब है वो चेंज कर दो। खराब क्या क्या ज़्यादातर होता है, एक तो क्लच असेंबली है, एक क्लच हॉजिंग है, ठीक है, और ये बैलेंसर गियर है, इस बैलेंसर गियर का बैरिंग देखो कितना खत्म है, आओ पास लेके आओ कैमरे को, मैं दिखाता हूँ इस बैलेंसर गियर की हालत, दिखाता हूँ आपको, देखो ये बैरिंग है, अब ये देखो, ये देखो। अब इसकी अगर बात करूँ जाए तो ये बैलेंसर गियर की बैरिंग, बैलेंसर गियर का बैरिंग चेंज नहीं होता है, अगर चेंज कराने की कोशिश भी करूँगा तो जुगाड़ हो जाएगा और आपकी गाड़ी का बैलेंसर गियर आवाज़ करेगा, बाद में वाइब्रेशन बढ़ेगी और इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, ठीक है। तो ये मज़ा एक कुल मिला के पल्सर जैसी स्मूथनेस नहीं मिलेगी आपको, पल्सर की एकदम मक्खन स्मूथनेस चाहिए ना, तो गाड़ी के सामान को चेंज करना पड़ता है। अब ये हो गया बैलेंसर गियर, ठीक है, ये हमारी केम शाफ्ट, इस केम शाफ्ट के अंदर ये कटा हुआ केम शाफ्ट ख़राब है, आओ मैं दिखाता हूँ कौन सी केम शाफ्ट कहाँ से कटी हुई है, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो निशान, ये निशान है कटे हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं इसके अंदर। अब ये पूरी केम शाफ्ट चेंज करनी पड़ेगी मुझे। अब इस केम शाफ्ट को चेंज करने के लिए मुझे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि केम शाफ्ट कम से कम 700-800 रुपये के आसपास की आती है ओरिजिनल। लोग क्या करते हैं, केम शाफ्ट डाल देते हैं नाम करने के लिए, मैकेनिक लोग BLW की केम शाफ्ट डाल देते हैं या फिर कोई और थर्ड पार्टी वेंडर की केम शाफ्ट डाल देते हैं, जिससे इनकी गाड़ी शुरू में तो ठीक हो जाती है पर बाद में ज़िंदगी झंड हो जाती है गाड़ी की, और बाद में क्या होता है, लोकल पार्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल क्लच असेंबली, ठीक है ना। तो ये देखिए एक चीज़ और दिखाऊंगा, इस इंजन में मुझे क्या निकला, देखो ये निकला, ये देखो क्या है, ये टुकड़ा निकला है मुझे इसके इंजन अंदर। अब ये आप सोच रहे हो क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, जो गाड़ी का इंडिकेटर होता है, इस इंडिकेटर के बल्ब का होल्डर है, ये देख रहे हो, ये इंडिकेटर के बल्ब का होल्डर है, ये कुछ इस तरीके से होता है, गोल गोल होता है, ये यहाँ लगा रखा था बंदे ने, ठीक है, और अपनी गाड़ी की टाइम इंजन की आवाज़ बंद करने के लिए, पर ऐसा करने से क्या हुआ, ये टुकड़ा पार्ट का इंजन में टूट के गिर गया जिससे कुछ डैमेज आए, और ये हमारा देखो टाइम इंजन गाइड की हालत देखो कैसी हो। अगर आप एक मैकेनिक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी टाइम इंजन की हालत जैसी हो रखी है, ऐसी कब होती है, ठीक है ना। तो ये देखो ये ऐसी हालत है, और भी बहुत सारी चीज़ें, दोनों रॉकर ख़राब हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसका बैलेंसर के ख़राब है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर देखो कितनी बुरी हालत है, ये टूटा पड़ा है, देख रहा हूँ, ये देखो ये टूटा पड़ा है, ये देखो ये पूरा टूटा पड़ा है, ठीक है ना। तो ये पूरा ख़राब है, सीजर गियर इसका ख़राब है, ये सीजर गियर की तो बैंड बजी पड़ी है सही तरीके से, ठीक है ना। अगर बाई चांस काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जो अपनी गाड़ी में सस्ता काम करने के चक्कर में सही तरीके से इंजन को फिट नहीं कर पाते, पर वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों में जुगाड़ करके चला देते हैं और सिर्फ धुआं बंद करके आपको गाड़ी दे देते हैं। बाद में क्या होता है, मैकेनिक के चक्कर काटते रहता है एक राइडर, एक मैकेनिक के पास चक्कर काटने की उसकी ड्यूटी बन जाती है, रोड डेली हाजिरी लगाओ। बट ये कुछ कुछ कमियां गलती होती है राइडरों की भी, जो ग्राहक होते हैं उनकी भी गलतियां होती है। क्या भाई, ग्राहक ने इंजन खोलने से पहले ही उसे तय कर लिया कि भाई मेरी गाड़ी के इंजन में 3000 रुपये ले लेना, पूरी गाड़ी का इंजन ओके कर दो। मैकेनिक ने बोल दिया ठीक है, वो अंदाजे पे काम करता है, मैकेनिक बोल दिया ठीक है भाई मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं 3000 में कर दूंगा। अब जब खोल के देखा तो गाड़ी में खर्चा 4000 का है, तो भैया वहाँ क्या हुआ, अब वहाँ पे अगर वो मैकेनिक कस्टमर को बोलेगा कि भाई तेरी गाड़ी में 4000 खर्चा, तो कस्टमर सोचेगा कि ये मुझे फंसा रहा है, पहले तो उसने मुझे 3000 में बोल दिया, राजी कर लिया, अभी मुझे 4000 बोल रहा है, अगर मैं इसे इंजन पैक कराऊंगा तो ये गाड़ी में लेबर लेगा मुझसे, इसका फायदा हर तरह से। तो यहाँ पर भी एक अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली बात है। अगर वहीं अगर मैकेनिक को कस्टमर बोले इंजन खुलने के बाद कि भाई अगर तुम्हें लगता है छोटा मोटा कुछ पार्ट्स इसमें खराब है तो डाल देना, टेंशन मत लेना पैसों को लेकर, पार्ट्स डाल देना और जो बिल मुझे दे देना प्रॉपर, बिल में जो भी रेट लगाओ आप वो जायज लगाना, गलत मत लगाना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैकेनिक को फॉलो करनी पड़ती है और कस्टमर को भी फॉलो करनी पड़ती हैं। पर कुछ का ऐसे कस्टमर होते हैं जिसकी मैं बात ही क्या कहूँ, अवार्ड देने लायक होते हैं कस्टमर को, और कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो अवार्ड लेने लायक होते हैं। तो कुल मिला के बात मैन ऑफ पॉइंट की अगर बात की जाए, मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें यही निकल के आती है कि अगर आपको पूरी गाड़ी का काम कराना है तो तरीके से कराओ, बेचने का सीन है तो आपको जो बताया था वो करो, अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, फिर आपको वीडियो पूरा दोबारा जाओ, रिवर्स में दोबारा देखो,
और ये कमेंट बॉक्स है आपके सामने नीचे की तरफ, तो इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताओ मुझे कि मैंने जो बहा है आपसे क्या वो सही है, क्या वो सच है। दूसरी बात, अपनी राय दो, क्या आप चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप इंजन को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर या पैसों को लेकर, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो। वर्कशॉप मंगलवार को बंद रहती है, वीक ऑफ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।